हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्रिया। तो फ्रेंड्स, आज हमारे यहाँ है शिव चर्चा एंड साथ में किटी पार्टी, क्योंकि शिव चर्चा किटी पार्टी एक साथ रखते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि घर सबका अलग अलग है और लोग निकल नहीं पाते हैं, तो इस वजह से होता है ना कि जब जा रहे हैं तो दोनों काम एक साथ कर लिया जाए। तो पहले शिव चर्चा होगी, बाद में किटी पार्टी होगी। तो आज मेरे घर में किटी है, तो आज मैं जो थीम रखी हूँ वो स्टूडेंट थीम रखी हूँ। तो स्टूडेंट थीम रखी हूँ तो यूनिफॉर्म तो नहीं, अभी यूनिफॉर्म कहाँ से आएगा, पर मैं कोशिश की हूँ कि वाइट एंड मेरे पास ये ब्लू फिरोजी कलर का सूट था तो उसे मैं डाल ली हूँ कि थोड़ा सा स्कूल जैसा लगे या कॉलेज जैसा यूनिफॉर्म जैसा लगे, तो इस वजह से ये ड्रेस मैं डाल ली हूँ। और दो चोटी करना है, पर फ्रेंड्स अभी बाल गीले हैं तो मैं बाद में दो चोटी कर लूँगी। और देखती हूँ सब लोग परफेक्ट स्टूडेंट बनकर आते हैं या कैसे आते हैं, वो सब आने के बाद पता चलेगा। और मैं जो आज की जो रेसिपी भी जो भी बनाई हूँ सारे लंच बॉक्स रेसिपी है, तो रेसिपी तो शायद शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वीडियो तो काफ़ी बड़ा हो जाता है, पता ही आपको। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि लंच बॉक्स रेसिपी में क्या क्या बनाई हूँ, जो बच्चों के लिए भी हेल्दी है। आप टिफिन में दे सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, हस्बैंड को भी दे सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं, और बहुत ही ईजी रेसिपी है। तो चलिए दिखाते हैं कि क्या बनाई हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, व्हाइट एंड ब्लू फिरोजी मैं पहन ली हूँ और कोशिश की हूँ कि स्टूडेंट की तरह लगूँ, पर अभी यूनिफॉर्म नहीं होने के कारण इसी से काम चलाऊंगी। अब आपको दिखाती हूँ कि आज लंच बॉक्स रेसिपी में क्या क्या बना है। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं शिव चर्चा के लिए भोले बाबा के लिए जो बनाई हूँ ये है काला जामुन। स्पेशली स्वीट मैं बनाई हूँ भोले बाबा के नाम पे, और उनको प्रसाद भी चढ़ा चुकी हूँ। और पता नहीं काफ़ी थक गई हूँ ना, तो मेरा हाथ भी काँप रहा है, यानी कि मैं 5:30 बजे उठी थी उसी टाइम से लगी हूँ और अभी 11:30 हो गया। मैं बनाई हूँ ये भी देखिए लंच बॉक्स रेसिपी है, इंस्टेंट ढोकला है सूजी का, जो काफ़ी हेल्दी भी है, बच्चों के लिए भी है और बड़ों को भी दे सकते हैं। तो काफ़ी हेल्दी मैं अभी बनाई हूँ, तो इस स्टार्टर में इसे रखी हूँ और मेन कोर्स में क्या रखी हूँ वो दिखा रही हूँ। और मेन कोर्स में फ्रेंड्स मैं बनाई हूँ मटर पनीर बिरयानी, या कॉर्न पनीर बिरयानी भी बोल सकते हैं। मैं इसकी रेसिपी मैं अलग से शूट की हूँ तो शेयर बाद में करूँगी, देखती हूँ जैसा भी हो। तो ये है, तो ये लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बच्चों को भी बड़ों को भी, काफ़ी खुश होकर खाएंगे, काफ़ी हेल्दी है। तो चलिए अब इसके साथ, और ये साथ में है रायता, ये बूंदी का रायता है, फ्रिज में रखा हुआ था इसे अभी मैं बाहर निकाल दी हूँ। और फ्रेंड्स ये मैं इस तरह से खीरा कट करके रखी हूँ, क्योंकि अगर बच्चों को लंच बॉक्स में इस तरह से दे देंगे ना तो बच्चे भी आराम से खा लेंगे। और यहाँ पे मैं ये बनाई हूँ मसालेदार लच्छा प्याज सैलेड बनाई हूँ, और पापड़ भी तल के रख ली हूँ, और इसमें मैं पापड़ तल के रखी हूँ। तो क्या है ना कि अभी बारिश का मौसम है तो पापड़ नरम ना हो जाए, और फिर बाद में तलने में क्या होता है ना कि बहुत हदर बदर हो जाती है, तो इस वजह से मैं तल के रख दी हूँ प्लास्टिक में। पर प्लास्टिक में रखना नहीं चाहिए, आप कैसरोल में भी रख सकते हैं, पर मेरे पास बड़ा कैसरोल नहीं था इस वजह से मैं पॉलीथीन में रख दी हूँ। और यहाँ पे फ्रेंड्स सारा काम, किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। मैं सुबह 5:30 बजे उठी थी, 5:30 बजे उठी, और उसके बाद जल्दी जल्दी नहीं, आराम से की हूँ, क्योंकि सारा खाना पीना बना के तैयारी करके मैं, मेरा जो रूटीन है और जो मैं मसाला पानी लेती हूँ वो भी ले ली, और साथ में योगा एक्सरसाइज करना था वो भी कर ली, यानी 1.5 घंटा मुझे लगता है, तो वो भी मॉर्निंग रूटीन हो गया साथ में। अब मैं वेट कर रही हूँ अपनी दोस्तों का, देखते हैं कितने बजे तक सब लोग पहुँच पाते हैं। तो फ्रेंड्स अब सब लोग आ जाएंगे तो वीडियो स्टार्ट हो जाएगा और मैं बिजी भी हो जाऊंगी, तो जो भी होगा वो शेयर करूंगी। पर अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं पहले ही बोल देती हूँ, अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं कुछ देर के बाद। दो स्टूडेंट आ गई हैं और गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, पर एक्चुअल में फ्रेंड्स ये दोनों टीचर रही हैं, एक साथ पहले स्कूल में थी, अब थोड़ा आराम फरमा रही हैं, और आज 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 इन लोगों को टीचर बनाया जाएगा क्योंकि बहुत साल छूट गया है। देखते हैं कैसे आप, नहीं नहीं स्टूडेंट हम बन जाएंगे, क्योंकि टीचर वाले गुण है ना आप लोगों में, हर कोई टीचर होता है।
जब हो शिव मानत नाही काले के शिव के मनायब हो शिव मानत नाही शिव चर्चा ए हो जगैया भाग्यशाली हो बे शिव चर्चा ए हो जगैया भाग्यशाली हो जहाँ हो बे शिव चर्चा। तो फ्रेंड्स हम लोग का शिव चर्चा हो गया, उसके बाद अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं सबका, एक बज गया है। दोस्त ना बहुत लेट लतीफ हो गई है, सिर्फ अभी आई हैं नीतू आई हैं, मतलब 15 मिनट हो गया तो थोड़ा गप सप हुआ। तो अब सोच रहे हैं कि हम लोग चार लोग हैं, ये लोग किटी पार्टी का ना बिल्कुल ही क्या बोल देते हैं बैंड बजा दिए हैं। अब सोच रहे हैं कि किटी पार्टी बंद कर दें, क्योंकि जब इंजॉय ही नहीं करना है तो फिर क्यों करना। सच में मुझे गुस्सा हो रहा है कि 11:30 का टाइम दिया हुआ था, 1:10 हो रहा है। तो अभी हम लोग चार लोग हैं पर इंजॉय करेंगे। थोड़ा गुस्सा मैं कभी कभी बोल देती हूँ पर इतनी गुस्सा में नहीं हूँ। और अभी हम लोग तंबोला खेल करके थोड़ा टाइम पास करते हैं, ठीक है। नीतू भी दो चोटी बांधने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, पर पहले तंबोला खेल लेते हैं, उसके बाद फिर सब लोग दो चोटी करेंगे। रीना भाभी लेकर आई हैं तंबोला। हाँ अब स्टार्ट कीजिए। सिंगल नंबर 7 नीतू यहाँ पे बैठ जाइए ना। हाँ 5353 खाता खुला किसी का? अच्छा नीतू का खुला, मेरा नहीं खुला है, मेरा एक भी नहीं खुला है। 1314 क्या भाभी अच्छा नंबर दीजिए ना, मेरा भी नहीं खुला चिंता। आपका भी नहीं खुला है? 8686 नहीं। ये लोग अभी आई हैं और झगड़ा चालू कर दिया स्टूडेंट। ये रोल नंबर 1 इनको मिला था। अच्छा कितना? 1990 नहीं आ रहा है। और 67 खत्म हो गया, हम लोग कब से बैठे हैं। और अभी हम लोग एक ही राउंड खेल लेते हैं फिर, है ना। रबर लेकर आ गई हैं। सिंगल नंबर 6 हम कुर्ता भी हमें लेके आ रहे थे साथ में। मम्मी यही स्कर्ट पहने आती है, स्कर्ट पहन ही आती है। तो स्कर्ट पहन ले और प्राइस 545 तो बोला था। बुटे करते रहो आप। 7373 दो चोटी वाली, कैसा एहसास हो रहा है? 3131 स्कूल में पढ़ाई हो रहा है, बचपन की यादें आ रही। 1111 ये पढ़ाई है। अच्छा 8282 अच्छा 1111 सब लोग चोटी कर रही हैं। फिर तो शादी जैसा नहीं होगा ना। नीतू स्कूल बोला पूरा स्कूल स्कूल चले स्कूल के लिए रेडी हो रही हैं। ऐसे बैठी हूँ तो ऐसे चोटी रखा ले देखाऊंगी। पर ये थोड़ी स्टूडेंट थोड़ी ना जिद्दी वाली है, इसलिए चोटी गूंथ नहीं रही है। माँ के नाम भूल गई हैं, किसी को चोटी करने तो ठीक है। अच्छा भाभी को चोटी करने नहीं आता है? पहले तो माँ ही थी। नहीं मेरी भाभी नहीं, ये छोटी थी तभी भाभी आ गई। पहले जमाना क्या सास यार। नीतू आपकी भाभी को चोटी बनाने नहीं आता है? नहीं देखिए मैडम ठीक है। हाँ बहुत सुंदर चोटी है। मैडम उधर बैठी, मैडम उधर बैठी, मैडम चोटी हाँ मैडम अच्छा ना हमको कटवा के आएंगे ना। हाँ हाँ ये बीए वाली स्टूडेंट आ रही है। तो पढ़ा भी पढ़ी हुआ भी उल्टा है। कौन से अक्षर मनुष्य उल्टा पढ़ी? ये नहीं ये पढ़ दी है, ये पढ़ दी, ये बीए पढ़ी। हाँ क्या मनीषा हाँ बहुत अच्छी आ रही है। देखिए थोड़ा कितना मजा आ रहा है ना चोटी करने में। ऐसे पाल बी से बॉल वो पढ़ाएंगी। सी से छोटका बॉल। फ्रेंड्स अब सबको पेपर दिया जा रहा है। अरीना भाभी टीचर बनी है। सारे स्टूडेंट लोग को पेपर मिल चुका है, एग्जाम शुरू होने वाला है। और पर देख लीजिए एक मिनट, सब अपना अपना दिखाइए कि पेपर के नीचे क्या क्या रखे हैं। ये जुगाड़ है डब्बा। हाँ और ये मनीषा ये दिखाइए।
मनीषा दिखाइए आप क्या रखी है। ये ट्रे रखी है, ट्रे के साथ एग्जाम दे रही हैं। और ये नीतू आप दिखाइए, ये तो है थाली है, थाली है, थाली है, आगे दिखाइए थाली है। हाँ, और आप दिखाइए चॉपिंग बोर्ड, चॉपिंग बोर्ड है। थोड़ा फनी तो करना बनता है, मैं भी थाली ले ली हूँ। पेपर भी लीजिए, पेपर भी मिल गया। हम बनाएंगे, बनाएंगे ए टू जेड लिखना है अल्फाबेट, ठीक है। ए बी सी डी, उसका ए के साथ ए फॉर एप्पल लिखती है, एप्पल बनाना है। बहुत टाइम में लग जाएगा मैडम, 20 मिनट दे रही हूँ और क्या दे रही हूँ। सो पैकेज हुआ है, देख लीजिए। ये साथ में देखिए, आज की मैडम कितनी अच्छी है, बच्चों के साथ ये भी पढ़ रही है, एग्जाम दे रही है। वाह, ग्रेट, मेरे से बनाना सीखे इसलिए बना रही, ग्रेट मैम। और ये देखिए स्टूडेंट, वीडियो काफी बड़ी बन गई है फ्रेंड्स, तो मैं पार्ट टू जल्द ही लेकर के आऊँगी। पार्ट वन ब्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर, और पार्ट टू में बहुत कुछ देखने के लिए है, तो चलिए आप लोग वेट कीजिएगा, जल्द ही लेकर के आती हूँ। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द ही मिलते हैं।